हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वीन मलिका। आई होप आप जहां कहीं भी हैं आप सुरक्षित हैं, अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं और ऐसे मास्क भी डाल रहे हैं जब भी आप बाहर जा रहे हैं। तो आई होप आप सारे सेफ हैं, साउंड हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। यूजुअली जब भी मैं ट्रैक करता हूँ तो मैं अपने लुक को मॉडिफाई करता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आम बाज़ारों में अवेलेबल नहीं होती हैं और जो कि मैं यूजुअली खुद क्रिएट करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम एक बैग को मॉडिफाई कर रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन माई लुक विच आई एम थिंकिंग एंड प्लानिंग। तो उसकी वजह से मैंने एक रेगुलर बैग को जो कि मैंने एक मार्केट से खरीदा था उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं सो दैट इट विल गो मैच माई लुक विच आई हैव इन माइंड। तो आइए हम देखते हैं मैं इस बैग को कैसे अपने ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए जुश अप करता हूँ और एट द एंड मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाता हूँ। मैं ये एम्बेलिशमेंट मिली तो मैंने ये बाय की, मैंने ये बैग लिया और मेरे पास में ये ग्लू है, फैब्रिक ग्लू है। तो मैंने ये तीन चीज़ों का यूज़ करके अब मैंने इस बैग को मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि ये कहाँ पे अच्छा लगेगा, ये जो एम्बेलिशमेंट है अगर मैं कहाँ लगाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि एक बॉटम पे और एक टॉप पे हम इसको लगाएंगे, एंड देन पीछे भी आई गेस मैंने ये भी यही करना है सेम ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम। और तो सबसे पहले हम इसको साइजेस में कट कर लेते हैं कि है क्या करना है। मैंने जो मेरे पास में ये फैब्रिक ग्लू है उसको हमने इसके बैक पे लगाना है अच्छे से। मैंने इस पूरे सरफेस को ग्लू से अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लेस करेंगे। सेम साइड पे हम इसको टॉप पे भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा टॉप पार्ट भी अच्छे से लग गया है यहाँ पे और हम इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। इसको सेट होने के लिए रखना है ओवरनाइट के लिए। सेम मेजरमेंट के दो और काट लेने हैं बिकॉज हमने इसको सेम जो है इसका डिजाइन पीछे भी बैक ऑफ द बैग में भी लगाना है। अब ये जो है मेरे बैक पैनल के लिए दो और कट गए हैं टॉप और बॉटम के लिए। अब जो है मेरे पास में ये लेंथ जो है अभी बच गई है तो मैं इसको सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊं। लेट्स सी अगर ये यहाँ पे पूरा फिट बैठ जाता है। What do you think guys? अच्छा लगेगा ये यहाँ पे? अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जब आप इसको सेट करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, यानी कि एक लाइन इसकी इतनी बड़ी आ रही है। तो हम इसको ये क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से कट करेंगे और फिर हम इसको इस पूरे बेल्ट पे लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं अब इसको। हम दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने एक बिल्कुल क्लीन जो है वो एक लाइन जो है इससे रिमूव कर ली है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से। तो आई गेस मैं यहाँ पे ही इसको लगाने वाला हूँ। तो अब क्या करना है, हमने सेम मेथड से हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ग्लू स्टिक लगानी है, सॉरी ये फैब्रिक ग्लू इसको है लगाना है
देख लीजिए, यहाँ से आपको शुरू करना है, फैब्रिक ग्लू लगाना है और फिर इसको ट्रांसफर कर देना है ऐसे, बहुत सिंपल सा है। तो अगर अब मैंने अभी नाप के देखा है, तो अगर जो है हम इसको, ये जो हमारा फॉल इन लव वाला जो लोगो है, अगर इसके हम बॉर्डर्स पे लगाते हैं तो ये बिल्कुल फिट आ सकता है, फिट आ जाएगा। तो हम इसको यही करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे और फिर हम इसको इसके फॉल इन लव वाले जो है पैच पे इसको हम ग्लू करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल हमने मेथड इसमें यूज़ किया है। इसके अंदर हमने एक बैग लिया है, एक एम्बेलिशमेंट लिया है, एक सीजर और एक फैब्रिक ग्लू लिया है, और जिसकी मदद से हमने ये अमेजिंग सिंपल टू मेक बैग हमने डिज़ाइन कर लिया है। सो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है queen_malika। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई विल सी यू सून। टूडल्स, बाय।